वो भी एक भजन है, एक तपस्या है। मन को बस में कर लेना ही एक भजन है। तो जंगल में प्रियव्रत भजन करने के लिए चले गए। तब उत्तानपाद राजा हुए, बड़े अच्छे राजा हैं, लेकिन राजा होने के बाद बड़े दुखी। अब राजा होने के बाद दुखी, अब राजा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन दुख दुख भी हर किसी के पास में है। सर्व सुख दुनिया में किसी के नहीं है, चाहे वो धनवान है चाहे बलवान है, कोई भी है कैसा भी है दुखी हर बात से है। आज के समय में किसी न किसी बात से हर प्राणी दुखी है। कोई इसलिए दुखी है कि बैठे बैठे समय नहीं कटता, और किसी के पास में इतना वक्त नहीं है कि वो बैठ करके भोजन भी कर ले, वो इस बात से दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास बिस्तर है तो नींद नहीं आती। मेरा मतलब है किसी न किसी बात से दुखी है प्राणी। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से कोई अपमान से, सब दुख से होते बड़ा दुख शरीर का, फल भोगता है प्राणी फिर अपनी तकदीर का। सर्व सुख किसी के प्राणी जीवन में नहीं है, सब सुख दुख सहन हो जाते ही सबसे बड़ा दुख है शरीर का दुख। शरीर में कोई बीमारी है कोई परेशानी है तो इससे बड़ा दुख दूसरा नहीं है। तुलसीदास ये कहते हैं, यानी सर्व सुख किसी के जीवन में नहीं है। बताया है भक्त जनों, महाराज उत्तानपाद दुखी थे क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी, और संतान न होने से बहुत दुखी। एक दिन पत्नी के पास में गए हैं, पत्नी को उदास देखा है तो महाराज अपनी अर्धांगिनी से सवाल करती बैठे, जवाब दिया है, जब देखो तब तुम सुस्त रहती हो, जब देखो उदास रहती हो, आखिर क्यों? तो पत्नी कहने लगी है, महाराज घर में सब कुछ होने के बाद एक संतान नहीं है, और बिना संतान के जीवन नीरस होता है। कैसी कैसी बातें करते हैं समाज के लोग। महारानी आंखों में आंसू भर के बोली है, श्रीमान
कोई संतान नहीं है, बिना संतान के जवाब दिया है श्रीमन, घर में कोई संतान नहीं है, बिना संतान के कोई जिंदगी जिंदगी नहीं होती है। समाज के लोग तुम्हें कमजोर कहते हैं, हमें बांझ कहते हैं, इसी बात की चिंता में नींद नहीं आती। उत्तान पाद समझाते हैं, देखो सुनी, पुत्र देना अन्ना देना, देकर के भी छीन लेना, ये परमेश्वर की कृपा होती है। रोने से, दुखी रहने से, ये चिंता करने से घर में संतान नहीं हो जाएगी। इसलिए हमारी बात मानो, आनंद से घर में रहो। और समझा करके बोले ही अपनी अर्धांगिनी से, रानी घर में रहो, मेरी बात मानो। जवाब दिया है, आनंद से घर में रहो। रोने से या दुखी रहने से घर में संतान नहीं हो जाएगी, चिंता करने से